फातिमा रियल स्पीड न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की 10 अहम खबरें। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन की जानिब से पेश किए गए बजट 2022 से अपोजिशन समेत माहिरीन और तजियाकारों का बड़ा तफा गैर मुतफिक। वहीं किसानों ने मोदी हुकूमत पर बदले की कार्रवाई का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को वाजे तौर पर नजरअंदाज किया गया है। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले और कल पेश किए गए मरकजी बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि जहां बीजेपी हुकूमत पेगासस जासूसी के जरिए आम आवाम का एतमाद खो चुकी है, वहीं साल 2022 के लिए पेश किए गए बजट में भी आम आदमी के लिए टैक्स में कोई कमी नहीं की गई, जबकि मुल्क बेरोजगार और महंगाई जैसे बहरान से गुजर रहा है। वजीर आला तेलंगाना KCR ने भी मरकजी बजट पर अपने रद्देअमल इजहार करते हुए उसे मायूसकुन बताते हुए कहा कि इस बजट में अकलियतों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी गई और न ही किसी और शोबे में आम आदमी की मुश्किलात को ध्यान में रखा गया है। वजीर आला KCR ने हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैस की हिमायत में बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम को उन पर फख्र है। दरअसल MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से मुल्क के दूसरे हिस्सों में इंतखाबात में हिस्सा लेने और दीगर सियासी सरगर्मियों की वजह से ये बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रियासत तेलंगाना में सरकारी अहकाम के बाद स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों को दोबारा खोल दिया गया है। याद रहे कि रियासत में ओमिक्रॉन और कोविड के बढ़ते मामलों के बाद 8 जनवरी से इन इदारों को बंद कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में शरपसंदाना जमातों की जानिब से मजहबी और सियासी शरअंगेजियाँ पूरी रियासत में फैल रही हैं। इसी पस मंजर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने गुंटूर शहर के मशहूर मरकज जिन्ना टावर के नाम को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए इस टावर को कौमी तिरंगे के रंग में रंग दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सल्तनत बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का मुल्क में स्वामी नारायण मंदिर के लिए ज़मीन देने पर शुक्रिया अदा किया और साथ ही मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। हिंदुस्तानी रेलवे में NTPC की भर्ती में मुबैना बेजाबतगियों का मामला ऐवाने वाला राज्यसभा में उठाया गया और रेलवे में ग्रुप डी मुलाजमीन की भर्ती के लिए सिर्फ एक इम्तहान का मुतालबा किया गया है। विकास पाठक, जो सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाव के नाम से मशहूर है, इसी शख्स को मुंबई के धारवी शहर में तुलबा को तशद्दुद के लिए उकसाने और उन्हें इश्तियाल दिलाने के जुर्म में मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 रोज कबल हिंदुस्तानी भाव ने स्टूडेंट्स की कसीर तादाद के साथ इम्तहानात के मसले को लेकर एहतजाज की नुमाइंदगी की थी। फ्रांस में आज से कोरोना से मुतालिक पाबंदियों को ख़त्म करने के सरकारी इकदाम शुरू हो चुके हैं, जिसके तहत अब आम मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी नहीं होगा, जबकि आवाम से भरे मुकामात जैसे जलसे या इज्तिमात में मास्क लगाना होगा। इसके अलावा हफ्ते में 3 रोज़ घर से काम करने के फैसले को भी वापस ले लिया गया है। तो ये थी नाज़रीन आज की 10 अहम खबरें। ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।